हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर ओन यूट्यूब चैनल द मैथमेटिशियन शो। फ्रेंड्स, आई होप यू विल बी फाइन। आज के इस वीडियो में हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। फ्रेंड्स, ये एक सर्कल है, सर्कल का सेंटर है ओ और ए बी इस सर्कल का एक डायमीटर है। आगे क्वेश्चन में कहा गया है कि ए सी और बी डी को आगे की तरफ प्रोड्यूस करने पर ई पर मिलता है। और उसके बाद क्वेश्चन में कहा गया है कि एंगल सी ओ डी का मेज़र 50 डिग्री है, तो एंगल सी ई डी का मेज़र कितना होगा, ये हम लोगों को पता करना है। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। फ्रेंड्स, एंगल सी ओ डी इस आर्क के ज़रिए सेंटर पे बन रहा है और एंगल सी बी डी ये एंगल भी इसी आर्क के ज़रिए सर्कमफ्रेंस पे बन रहा है। तो क्लास 9th चैप्टर 10 सर्कल्स एनसीईआरटी बुक में थ्योरम 10.8 कहता है कि किसी भी आर्क के ज़रिए सेंटर पर बना हुआ एंगल, ठीक है, दोगुना होगा उसी आर्क के ज़रिए सर्किल के किसी भी रिमेनिंग अदर पॉइंट पे बना हुआ एंगल से। मतलब कि अगर सर्कमफ्रेंस पे कोई एंगल बनता है इसी आर्क से और इसी आर्क से सेंटर पे एंगल बनता है, तो सेंटर वाला एंगल दोगुना होगा इसके। तो इससे हम लोग पता कर सकते हैं कि एंगल सी बी डी कितना डिग्री का होगा। तो एंगल सी बी डी इक्वल्स 1/2 एंगल सी ओ डी, क्योंकि ये दोगुना है इससे, तो ये हाफ होगा इसका, ठीक है ना। तो 1/2 × 50 डिग्री इक्वल्स 25 डिग्री, तो एंगल सी बी डी 25 डिग्री का हो गया, ठीक है। इसी एंगल को हम लोग सी बी ई भी कह सकते हैं, ठीक है। उसके बाद इसी जो थ्योरम 10.8 अभी हमने यूज़ किया है, उसी थ्योरम का यूज़ करके हम लोग ये कर सकते हैं कि इस आर्क के ज़रिए ये एंगल बन रहा है एंगल ए ओ बी। एंगल ए ओ बी क्या है, ए ओ बी एक स्ट्रेट लाइन है, तो इसलिए एंगल ए ओ बी होगा। और इसी आर्क के ज़रिए आप देखेंगे एंगल ए सी बी ये फॉर्म हो रहा है, ठीक है। तो ये अगर 180 है तो ये एंगल कितना होगा, 90 डिग्री। वैसे भी हम लोग जानते हैं कि सेमी सर्कल के अंदर जो एंगल बनता है वो 90 डिग्री का होता है, ठीक है। तो एंगल ए सी बी इक्वल्स 90 डिग्री होगा, ठीक है। उसके बाद आप देखिएगा कि ये एंगल 90 हो गया और ये 25 हो गया। अब एक और थ्योरम है क्लास 9th चैप्टर 6 लाइंस एंड एंगल्स में, थ्योरम 6.8। उस थ्योरम में कहा गया है कि एक्सटीरियर एंगल जो होगा, ये एक्सटीरियर एंगल हुआ किसके लिए, ट्रायंगल सी बी ई के लिए। तो एक्सटीरियर एंगल जो होगा वो अपोजिट इंटीरियर एंगल्स के सम के बराबर होगा, यानी इस एंगल और इस एंगल का जोड़ एंगल ए सी बी के बराबर होगा। एंगल सी ई बी प्लस एंगल सी बी ई इक्वल्स एंगल ए सी बी, ठीक है। उसी थ्योरम का यूज़ करके हमने ये लिया है, ठीक है। अब एंगल सी ई बी को हम लोग सी ई डी लिख सकते हैं। तो एंगल सी ई डी प्लस एंगल सी बी ई को सी बी डी लिखा जा सकता है। तो एंगल सी बी डी इक्वल एंगल ए सी बी। एंगल सी ई डी, सी ई डी का वैल्यू कितना है, तो सी ई डी का वैल्यू हम लोग को पता करना है। तो सी ई डी का वैल्यू पता नहीं है तो एंगल सी ई डी यही तो पता करना है। प्लस एंगल सी बी डी, सी बी डी का वैल्यू हमने फाइंड किया था, सी बी डी का कितना है, 25 डिग्री। तो 25 डिग्री इक्वल्स, और एंगल ए सी बी इसका वैल्यू कितना है, 90 डिग्री, 90 डिग्री, ठीक है। एंगल सी ई डी इक्वल्स 90 डिग्री, और इसको हम लोग
रफ ले जाएंगे तो 25 डिग्री कितना हो जाएगा 65 डिग्री। फ्रेंड्स उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें ताकि आपको इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।